हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एफटीआर तेजस पार्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो एड्स डॉट टीएक्सटी को अपने ब्लॉग में कैसे ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एडसेंस के अप्रूवल के लिए। अगर हम ये ऐड नहीं करते हैं तो जो हमारा ब्लॉग है वो एडसेंस अप्रूव नहीं करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों और चैनल वालों के साथ। तो आइए देख लेते हैं कि हम एड्स डॉट टेक्स्ट को अपने ब्लॉग में कैसे ऐड करेंगे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप साहब? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने ब्लॉग में जल्दी से जल्दी जो एडसेंस है वो अप्रूव नहीं हो रहा है। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि अपने ब्लॉग में आपने एड्स डॉट टी एस टी जो है वो अपने ब्लॉग में डाला है कि नहीं डाला है। अगर नहीं डाला तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है और ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियोज मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, तो इसके लिए आप अपने ब्लॉग को ओपन कर लीजिए। एड्स डॉट टी एक्स टी जोड़ना कैसे है और एड्स डॉट टी एक्स टी ये मिलेगा हमको कहाँ से, बहुत सारे बता तो देते हैं कि जोड़ना है लेकिन मिलेगा कहाँ से हमको, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। और सबसे पहले हमको जरूरत होती है एड्स डॉट टी एक्स टी हम पाएं कहाँ, तो उसके लिए हमको यहाँ पर सर्च करना है और अपने ब्लॉग का जो आपका नाम हो ब्लॉग का वो यहाँ पर लिखते देते हैं। और मैं जैसे लिख रहा हूँ दोस्तों वो आप देख लीजिए अच्छे से, वैसे ही आपको भी लिखना है अपने ब्लॉग का। ये अपने ब्लॉग का नाम लिख गया है। इसके बाद हमको यहाँ पर एक स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है एड्स डॉट टी एक्स टी और सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने जैसे सर्च पे क्लिक कर दिया तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा हमारा जो है एड्स डॉट टी एक्स टी आ चुका है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि इसको हम यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेते हैं, फिर अपने ब्लॉग में हमको चले जाना है। तो ब्लॉग में आने के बाद दोस्तों हमको इसको ब्लॉग में अपने ऐड करना है। इसके लिए हमको यहाँ पर 3 लाइन जो दिख रही है उस पर क्लिक कर देना है और लाइन पे क्लिक करने के बाद हमको सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हमको कुछ नहीं करना, और यहाँ पर हमको नीचे चले या नीचे आते रहना, स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कस्टम एड का, मोनेटाइजेशन का। तो मोनेटाइजेशन दो है जो है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लिखा है इनेबल कस्टम एड्स डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही डाल रखा है, अगर आपका डिसेबल हो तो मोनेटाइजेशन इस वाले में आके आप इसको इनेबल कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको आपको इनेबल कर देना है और इनेबल कर देने के बाद यहाँ पर जो है कस्टम एड्स डॉट टीएक्सटी यहाँ पर वो अपनी आईडी पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद हमको सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बस इस सिंपल तरीके से हमने अपने ब्लॉग में जो है वो एड्स डॉट टी एक्स टी ऐड कर लिया है। इसे हमारा ब्लॉग में एडसेंस का अप्रूवल जल्दी से जल्दी मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों अपने ब्लॉग में जो एडसेंस का एचटीएमएल कोड होता है वो कैसे डालना है और कहाँ मिलेगा वो भी मैंने उसकी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। ब्लॉग के बारे में, यूट्यूब के बारे में और ऐप के बारे में मैं पूरी जानकारी अपने चैनल पर देता रहता हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और आपको काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने प्लेलिस्ट जो है वो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार दोस्तों जरूर जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।